नायब तहसीलदार रश्मि चौधरी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। नायब तहसीलदार रश्मि चौधरी ने छापामार कार्यवाही करते हुए लगभग 25 से 30 टन अवैध मैगजीन जब्त की है, जिसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। अनुभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देश पर कटंगी तहसील के ग्राम बोरी खेड़ा में छापामार कार्यवाही हुई है। वही माइनिंग विभाग ने आगे की जाँच शुरू कर दी है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कटंगी से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। कोई मैंने जो उत्खनन पर कार्रवाई की गई भंडारण जी ऐसे महोदय के आदेश पर ग्राम पंचायत काली माटी के ग्राम मोदी में अवैध रूप से मैंने रखा था, उसको जब्त किया। कितने बजे की कार्रवाई मैडम? लगभग 6 से 7 के बीच में शाम को। क्या पाया गया वहाँ पर? मैं करीब 25-30 टन। 25 से 30 टन जी। जब्त करने के बाद आगे कोई कार्रवाई? जब्त करने के बाद उसको ग्राम पंचायत और ग्राम कोतवाल के सपोर्ट कर दिया गया था रात में ही, शाम को ही। और फिर आज उसको त्रोड़ी माइंस के द्वारा मतलब उठवाया जा रहा है गाड़ी से। तो ये माल वहाँ से उठना चालू हो गया जी? और कहाँ जाएगा ये माल? अभी माइंस में जाएगा वजन के लिए, कि कितना है एग्जैक्टली। मैम इस छापेमार कार्रवाई में कोई गिरफ्तारी किसी प्रकार की नहीं? अभी ऐसी कोई एक्चुअली क्या है, जो अभी मैंने जब्त किया गया है तो वो बताया गया है जिस जमीन पर ही पाया गया है जी। जिस भूमि स्वामी की जमीन पर उन्होंने बताया है कि ये उनका नहीं है। अच्छा। ये अवैध रूप से उनकी जमीन पर रखा गया है। तो मैडम ये कहाँ से आया, कब से चल रहा था ये काम? ये तो जानकारी में नहीं आया एक्चुअली, कल ही जानकारी मिली थी इसकी कि गणेश जो यहाँ पर लिमिटेड माइंस है बुरीखेड़ा में, तो उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन पर जो उन्हें लीज पर लिए उस पर मैनीज पाया गया, तो उन्होंने खबर दी, तो उसके बाद इसको जब्त किया गया। अच्छा, ये कार्रवाई गणेश माइंस वालों के द्वारा आपको सूचना दी गई, फिर ये कार्रवाई करी गई? नहीं नहीं मुझे तो RTM होते द्वारा सूचित किया गया था।